हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं, पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, पढ़ते हैं आज की एनर्जीज क्या कहती हैं आपके लिए। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, थ्री ऑफ फायर एंड द हैंग मैन वाली एनर्जीज में आपके ये पर्सन बने हुए हैं, जिस किसी के बारे में भी आप आज का शिफ्ट देख रहे हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पर एक तरह के पॉज में चले गए हैं। दे आर जस्ट इन द पॉज फॉर द रिफ्लेक्शन, दे आर इन द कॉन्टम्पलेशन, यानी कि ये सोच रहे हैं, ये आइडियाज ग्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आज मैंने आपको टैरो हॉरोस्कोप फॉर टुडे की एनर्जीज़ के चलते बता दिया था कि बहुत सारे लोग आज एक लर्निंग में शायद चैनल हो सकते हैं, जहां पर आप अपनी लाइफ के बारे में लर्न कर रहे हों, इस सिचुएशन के बारे में लर्न कर रहे हों, या फिर आपके और इनके बीच में जो भी कनेक्शन है उसके बारे में लर्न कर रहे हों। मतलब कुछ एक ऐसा टॉपिक मिल गया है सभी को जहाँ पर सोचना पड़ रहा है, प्लान करना पड़ रहा है, एनालाइज करना पड़ रहा है, चीज़ों को रीफ्रेम करना पड़ रहा है, रीडिज़ाइन करना पड़ रहा है। तो आपके पर्सन भी एग्जैक्टली इसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर समथिंग रियली वेरी पॉजिटिव, जहाँ पर इन्होंने हो सकता है सरेंडर किया है यूनिवर्स पर या डिवाइन के प्लान पर ये सरेंडर्ड है। ये वो पर्सन होंगे गाइस जिनकी लाइफ में हो सकता है बहुत ही वर्स्ट पैटर्न या लाइफ का फेज गुजरा होगा, जहाँ से इन्होंने बहुत मुश्किलों के साथ खुद को बैलेंस किया है, हील किया है। ट्रॉमेटिक सिचुएशंस रही होंगी इनकी पास्ट में और रिलेशनशिप्स इनके बहुत ख़राब रहे होंगे, और जहाँ से इनको बिट्रेल मिला है, जहाँ पर लोगों ने इन्हें चीट किया है, धोखा दिया है, इनके इमोशनल होने के चलते इनको बहुत ज़्यादा पेन उठाना पड़ा होगा अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। तो अब आपके पर्सन हो सकता है अपने एफर्ट्स को बहुत ही कैलकुलेटिवली रखना चाहेंगे। जैसे कि इनको पता है कि ये जहाँ पर भी चैनल होंगे, जहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे, वो डायरेक्शन ज़रूर इनके लिए सर्विंग रहेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये अभी बहुत ज़्यादा फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं, क्योंकि इनके रास्ते पर ठोकरें बहुत ज़्यादा इन्हें लगी होंगी। तो हर बार ये सेम तरह का पैटर्न रिपीट नहीं कर सकते, रादर ये वेट करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि आगे कैसे चीज़ें प्रोसीड होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चलना चाहेंगे। तो शायद ये वेट कर रहे हैं, या तो ये आपका वेट कर रहे हैं, आपकी बातों का वेट कर रहे हैं, जिस किसी चीज़ का भी ये वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दे आर इन द हैंग मैन एनर्जीज, और इन्हें शायद यही एक रास्ता सही नज़र आता होगा कि वेट कर लेना ही बेटर है रादर टेकिंग एनी एक्शन। बट हाँ, ये पॉजिटिविटी के लिए एक्सपेक्टेंट है, यानी कि इनको लगता है कि इनके साथ जो भी अब होगा वो एक पॉजिटिव फ्रेम के चलते ही होगा। इनको भरोसा बहुत है यूनिवर्स पर या डिवाइन के प्लान्स पर। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, अवेकन पर्सन हो सकते हैं, और एक बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, दिल के बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, जिनके साथ यूनिवर्स की एनर्जी है और डिवाइन का पावर है इनके साथ, और इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। क्योंकि अब तक जब इनके साथ गलत हुआ है तो आगे इनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो ये जो पर्सन है सरेंडर्ड है, मतलब इनको पता है कि ये यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। मतलब कहने का ये है कि आपके पर्सन के जितने भी एफर्ट्स आए हैं इस कनेक्शन पर, या फिर ये जो भी कर सकते थे, जो भी इनसे पॉसिबल हो सकता था, ये उतना ही कर सकते थे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने जो भी मतलब इनके हद में है, इनकी लिमिटेशंस के हिसाब से जितना भी इनसे हो पाता था, बन पाता था, उतना इन्होंने किया होगा। अब आगे ये बढ़ नहीं सकते क्योंकि इनके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें,
और इन्हें वेट करना ही पड़ेगा, और शायद यही आपके पर्सन कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है। और ऑन द अदर हैंड आप लोग यहाँ पर सेवन ऑफ वाटर्स की एनर्जीज में बने हुए हो। बहुत सारे लोग एक तरह की डे ड्रीमिंग या फैंटसाइजिंग एनर्जीज में हो सकते हैं, या फिर एक और बात यहाँ पर ये हो सकती है कि आपकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे कि मान लो इस पर्सन के साथ साथ अगर आपकी लाइफ में कोई और भी पर्सन मौजूद हैं, या फिर किसी की री एंट्री हुई है आपकी लाइफ में जो आपको एक कन्फ्यूजन में डाल गए। मतलब होता है ना कि हम एक डायरेक्शन पर फोकस कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम द पास्ट कोई हमारे लाइफ में रीअपियर हो जाते हैं और वो लोग हमें कन्फ्यूज कर देते हैं कि मतलब एक तरह से शेकन अप हो जाते हैं। जो भी लोग फोकस्ड वेज में बने रहते हैं वो लोग शेकन अप हो जाते हैं कि अब क्या, इस पर्सन को तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन जब रीअपियर हुए हैं हमारी लाइफ में, तो इसका क्या मतलब है। तो ऐसा एक आपके साथ सिनेरियो बना होगा जहाँ पर अब आपको रीफ्रेम करनी होंगी चीज़ें, रिकंसिडर करनी होंगी, या फिर अपने प्लान्स को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से डिज़ाइन करना होगा, ताकि आपका ये जो भी कन्फ्यूजन बना हुआ है ये कन्फ्यूजन ना रहे। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी उन सभी से जो लोग भी कन्फ्यूज्ड हैं, अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं तो आपकी डिज़ायर में कमी है। मतलब वही इंसान कन्फ्यूज्ड होता है जो अपने वांटिंग को लेकर, अपनी डिज़ायर्स को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर पूरी तरीके से 100% श्योर नहीं होता। और जो इंसान अपनी डिज़ायर को लेकर श्योर होता है वो कभी कन्फ्यूज नहीं होता, तो यहाँ पर सच में आपको काम करने की ज़रूरत है गाइस। जिस किसी की भी आज एनर्जी पिक हुई है, आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि यू गाइज रियली नीड टू थिंक अबाउट योर सिचुएशन एंड ट्राई टू फिगर आउट कि आपकी डिज़ायर क्या है। और जब तक आप ये नहीं करते तब तक जस्ट डोंट अलाउ योर सेल्फ टू टेक एनी एक्शन, यानी कि जब तक आप पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाते। और कन्फ्यूजन कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, और अगर मान लो इस कन्फ्यूजन के चलते आप कोई एक्शन ले भी लेते हो तो वो एक्शन आपका कितना सर्विंग होगा आपके लिए, क्या आप उस चॉइस के साथ, यानी कि मान लो अगर इफ़ यू पिक एनी डायरेक्शन, क्या आप उस डायरेक्शन के साथ लाइफ लॉन्ग संतुष्ट रह पाएंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इवन आप लिख भी सकते हो, जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन है उसे राइट डाउन कीजिए, देन ट्राई टू फिगर आउट द सोल्यूशन। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो जब प्रॉब्लम आई है तो उसको पहले एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग्स करने ज़रूरी हैं, एंड देन यू गाइज नीड टू टेक एनी प्रॉपर एक्शन। फाइन, तो एक्शन लेने से पहले सोचना है यहाँ पर, यही आपसे कहा जा रहा है। और क्योंकि आपके पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, ये जो भी पर्सन है इनको रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत कुछ पता है, लाइफ के बारे में इनको बहुत कुछ पता है। दे आर अ गुरु काइंड ऑफ अ पर्सन, लव गुरु भी कह सकते हो आप, लाइफ के गुरु भी कह सकते हैं। इनके साथ इतनी प्रॉब्लम्स हो गुजरी हैं और ये पर्सन प्रो में चैनल हो चुके हैं, लाइक दे आर द दोज काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि एक एक्सपीरियंस गेन कर चुके होते हैं एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पर इनको सब सारे पैटर्न्स पता होते हैं, सब कुछ पता होता है। तो जस्ट लाइक दैट अगर आपके पर्सन आपका ऑन एंड ऑफ समझते हैं, या फिर आपकी जो भी एनर्जी इन्हें महसूस होती है, तो इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं आप अभी भी लैक करते हो, आप पूरी तरीके से पक्के श्योर नहीं हो यहाँ पर। कुछ तो आपकी लाइफ में के अभी भी पैटर्न्स हैं जहाँ से आप अभी भी रिलीज़ नहीं हुए हो। तो जब रिलीज़ नहीं हुए हो तो आपके पर्सन आपको ज़रूर ट्रिगर देंगे, क्योंकि स्पिरिचुअली आप लोग कनेक्टेड हो। और वजह यही है कि जब कोई हमारे साथ सबकॉन्शियसली कनेक्टेड होता है उसको हमारी वाइब्स पता होती हैं, और अगर हम कुछ ज़ुबान से ना भी कह रहे हों उस पर्सन को अंदाज़ा ज़रूर होता है कि आप कहाँ पर स्टक हो, और क्या आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं,
क्या आपके पैटर्न्स रिपीट हो सकते हैं, इस पर्सन को ऑलरेडी आइडिया होता है। तो जस्ट आप लोगों को यही कहा जा रहा है गाइज, कुछ भी कर लें, डिवाइन फेमिनिन्स एक तरह के पैटर्न में हमेशा फंसी रहती हैं। अगर एक बार आपने वो ओवरकम कर लिया तो तब आपकी यूनियन होती है। अगर आपकी यूनियन नहीं हो रही है, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो लोग भी यूनियन के लिए बहुत ही ज़्यादा अवेटेड हैं, अगर आपकी यूनियन नहीं हो रही है तो एक बात ये भी मानकर चलिए कि आपके अभी भी कुछ पैटर्न्स बाकी हैं। जब तक आप लर्न नहीं करोगे, जब तक आप डिफरेंटली एक्ट करना नहीं सीखोगे, मतलब पैटर्न आते रहते हैं, सेम तरह के पैटर्न रिपीट होते रहते हैं, और जब तक आप सेम तरीके का अप्रोच उस पैटर्न की तरफ रखोगे, यानी कि एक्शन या रिएक्शन उसी तरह का रखते रहोगे, तो वो ब्रेक थ्रू नहीं होगा कभी भी, वही राउंड राउंड घूमता रहेगा। अनटिल एंड अनलेस आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करते, आप उस पैटर्न के लिए एक डिफरेंट एक्शन या रिएक्शन नहीं रखते, तब तक आपके लिए चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेशंस में ही रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। फाइन, तो जिस किसी को भी यूनियन अचीव करनी है तो फाइंड आउट कीजिए कि व्हाट आर योर पैटर्न्स। अगर आपकी लाइफ में एक्स की एनर्जी प्रेजेंट है तो उन्हें रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके लाइफ में वो डिज़ायर पूरी हो सकती है। यहाँ पर द स्टार टॉक्स अबाउट द सेम कि आपके पर्सन की होप या उम्मीद तभी आप रख पाओगे जब आप अपने लाइफ के किन्हीं पैटर्न से खुद को रिलीज कर पाओगे, और अगर रिलीज नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई टू वर्क रियली वेरी हार्ड, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब आप उन पैटर्न से ब्रेक थ्रू होना सीख लोगे तब आप डिज़ायर रख सकते हो, मतलब जिस डिज़ायर की मैं बात कर रही थी कि अगर आप कन्फ्यूज हो तो आपकी डिज़ायर में कमी है, तो वो डिज़ायर की फुलफिलमेंट तभी हो सकती है पूरी जब आप सच्चे मन से एक ही चीज़ को डिज़ायर करोगे और वो चीज़ आपको फ्रूएशन दे सकती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको इसी तरह का साइन दे रहा है रीबर्थ की एनर्जीज के साथ। तो गाइज, रीबर्थ टॉक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी पर्सनालिटी को आपको दोबारा से ट्रांसफॉर्म करना होगा, उसे दोबारा से जन्म देना होगा आपकी पर्सनालिटी को, आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स रहे हैं उन्हें पीछे छोड़कर, यू नो, आपको अपने अंदर एक बिल्कुल ही नई पर्सनालिटी लेकर आनी पड़ेगी, तभी आपके लिए जो चीज़ें हैं वो फाउंडेशन आपको शो कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक तरह की हैंग्ड सिचुएशन में है, लिम्बो में है, और कुछ भी अगर ग्रो नहीं हो रहा है तो समझ लीजिएगा प्रॉब्लम आप ही के साथ कहीं पर है, जहाँ पर आपके ओल्ड पैटर्न्स लाई करते हैं, ओल्ड लोग, इवन आपके लाइफ के एक्स कह सकती हूँ मैं, जिनकी एनर्जी से आप रिलीज नहीं हो पा रहे होंगे, तो कुछ एंड करना पड़ेगा। नई चीज़ें अपनी लाइफ में देखना चाहते हो तो पुरानी चीज़ें छोड़ देनी पड़ेंगी, बहुत ही क्लियर फंडा है। अगर इस चीज़ को आप फॉलो करोगे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। तो जस्ट आस्क योरसेल्फ, आप कहाँ पर कन्फ्यूज हो और क्यों कन्फ्यूज हो और उस कन्फ्यूजन का क्या सोल्यूशन है, ये आपको फिगर आउट करना है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे गाइडेंस लेना चाहें आप, तो आप ज़रूर मुझसे प्राइवेट सेशंस सीख कर सकते हो गाइस, मेरी गिवन डिटेल्स पर। ऑलराइट, तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और करंट ओवरऑल एनर्जीज शिफ्ट के साथ इस पर्सन की थॉट्स जानेंगे आपके लिए, ये किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।